नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो देखिए आज बैंक निफ्टी में हमने जैसा देखा कि आज हमको पूरी एक वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिली है। तो ये वॉलेटाइल मार्केट में देखिए पहले मार्केट ऊपर की तरफ गई, देखिए जो जिस मैंने रेंज की बात की थी वहां पर एक रेंज बना, रेंज ब्रेक होने के बाद देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ फाइनली देखिए एक रेजिस्टेंस फेस किया उसने 32,000 के लेवल के आसपास, और उसके बाद फिर जो है अगेन नीचे की तरफ। तो चलिए हम जो है बैंक निफ्टी के एनालिसिस शुरू करते हैं और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी। तो फाइनली देखिए बैंक निफ्टी ने अगेन एक डोजी कैंडल यहां पर बना दी है। अब शायद अगर आप लोग इसका मतलब समझ सकें तो समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। तो ये ट्रेंड लाइन के पास जब जब बैंक निफ्टी जा रही है वहां से रिवर्स हो रही है, जब जब ट्रेंड लाइन के पास जा रही है रिवर्स हो रही है। यहां पर भी देखिए इसने ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश की बट फाइनली यहां पर टच नहीं कर पाई, और यहां पर फाइनली देखिए रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट बनाने के बाद फाइनली अगेन इसने आज जो है बैंक निफ्टी ने इस लेवल को टच कर दिया है। सो फाइनली अब हम कह सकते हैं यहां पर कि देखिए जब भी कभी एक अप ट्रेंड के बाद डोजी बने या फिर किसी डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बने तो वो एक रिवर्सल का साइन हो जाता है। देखिए अभी हम यहां पर कंफर्म नहीं है, हम यहां पर कंफर्म कब होंगे जब ये 31,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, और फाइनली 31,500 के नीचे ट्रेड करते हुए ये 31,000 का लेवल ब्रेक करेगा। अभी मैंने यहां पर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम यहां पर बुलिश हैं। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए कहां पर हो जाएगा, 31,500 के नीचे जो मैंने आपको पहला लेवल अभी बताया है 31,500 के नीचे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, और उसके बाद यहां से हम बेरिश हो सकते हैं। हो सकते हैं, अभी है नहीं, हो सकते हैं, बिकॉज देखिए यहां पर डोजी कैंडल है अभी। मे बी कल को ही अगर इसका हाई क्रॉस करती है, 32,000 का लेवल क्रॉस करती है तो हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है इसका ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो देखिए जो डोजी कैंडल होती है वो एक अनडिसीजनल कैंडल होती है। उस कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में ना तो अभी बायर इंटरेस्टेड है और ना ही अभी सेलर इंटरेस्टेड है। सो अगर बायर ऊपर लेके जाएगा तो सेलर उसको नीचे लेकर आएगा, और सेलर नीचे लेकर जाएगा तो बायर उसको ऊपर लेकर जाएगा। सो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है डोजी के बनने का। तो चलिए हम यहां पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और हम यहां पर बात करते हैं कि जैसे हमने कल एनालिसिस की थी उस एनालिसिस पे हमारा काम बना कि नहीं बना। तो फाइनली देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मे बी यहां पर अगर गैप अप खुलता है या फिर इसी के आसपास यहां पर अगर एक हमको रेंज देखने को मिले, तो फाइनली यहां पर देखिए गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद ही यहां पर जो है रेंज बननी स्टार्ट हो गई थी। अब ये देखिए ये रेंज का देखिए जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद यहां पर एक हम लोगों को अच्छी एंट्री मिली। फाइनली देखिए यहां पर इसी रेंज के अंदर ही हमने कई ट्रेड कर डाले थे, ऊपर जा रहा था तो इसको हम सेल कर रहे थे। मैं आपको इसको 5 मिनट के चार्ट में दिखाई देता हूं, तो 5 मिनट के चार्ट में आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए यहां से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता था तो इसको हम सेल करते थे, नीचे की तरफ आता था तो इसको बाय करते थे, ऊपर की तरफ जाता था तो सेल करते थे। तो ऑप्शन में हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखकर यहां पर 1:2 भी मिला, 1:5 भी मिला, 1:7 भी मिला, 1:1 भी मिला, ठीक है। तो फाइनली देखिए आज हमने 10-11 ट्रेड किए थे जिसमें हमारे 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे थे, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था और एक ट्रेड को हमने कॉस्ट टू कॉस्ट काटा था। तो फाइनली यहां पर देखिए मैं जिस रेंज की बात कर रहा था तो यहां देखिए फाइनली वो रेंज बनी, और रेंज बनने के बाद यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए अब जो ब्रेकआउट हुआ था वो 31,880 के लेवल्स पे हुआ था, और 31,880 के लेवल से हमने यहां पर जो देखा 31,980 का लेवल देखा। तो मतलब हमने यहां पर 100 पॉइंट्स की जो है अपसाइड मूव देखी। अब अगर हम बात करें कि देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए हम यहां पर बेयरिश हुए थे। फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम यहां पर बेयरिश हुए थे। अगर देखिए अगर आप इंट्राडे की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इंट्राडे की ट्रेंड लाइन भी इस तरह से आप ड्रॉ करके आप यहां पर देख सकते थे। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन थी और यहां पर फाइनली देखिए ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट के बाद हमको यहां पर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हमको यहां पर देखने को मिला था, एक मूव देखने को मिली थी, प्रॉफिट हमने बनाया था। तो चलिए यहां पर जो बाउंस बैक आया तो बाउंस बैक देखिए इसने अपने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जो है यहां से बाउंस बैक हुआ। अब हम यहां पर बात करेंगे कल की, जो कल के हम लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए आज तो जो होना था आपने प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, जो भी बनाया, बट अगर स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, जो चीज मैंने बताई थी अगर वो चीज फॉलो की होगी तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब चलिए अब हम फाइनली यहां पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखते हैं हमको यहां पर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, मैंने आपको एक दिन के चार्ट में दिखाया, तो ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ यहां पर हमने ड्रॉ करके रखी हुई है। फाइनली देखिए अब वन डे में और जो है 15 मिनट में काफी जो है अंतर हो जाता है, सो इसको मैं फिलहाल डिलीट यहां पर करता हूं। तो ये फिलहाल अभी जो है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखिए मैं इसको एक ट्रेंड लाइन हमारे पास नीचे से है, ये ट्रेंड लाइन को जरा गौर से देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान करिएगा। अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए
देखिए हम एक बार आके यहाँ से बाउंस बैक हो चुके हैं और मे भी यहाँ पर मैं इसको क्लोजिंग टू क्लोजिंग यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखिए एक बार हम ऊपर की तरफ गए, फाइनली यहाँ पर देखिए स्टैंड लाइन का को हमने टेस्ट किया और बाउंस बैक हुआ। और अगली बार देखिए, अब नेक्स्ट टाइम अगेन देखिए ऐसा हो सकता है, बिकॉज देखिए अभी यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो 31,739 की आई है। मे बी कल यहाँ पर ये नीचे की तरफ आने के बाद इसके पास दो सपोर्ट होंगे। दो सपोर्ट कौन से होंगे? एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा और दूसरा ये जो रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस देखिए ब्रेकआउट हुआ था तो रजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद ये जो है सपोर्ट बन गया है। तो अब ये नीचे की तरफ आ रहा है अपने सपोर्ट लेवल के पास, तो इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद अगेन जो है बाउंस बैक हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर कल के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर कल को मैं आपको चीजें जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए कल को इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। बाउंस बैक होने के बाद देखिए ये ऊपर की तरफ अगेन 32,000 के लेवल के पास आ सकती है। 32,000 के लेवल के पास यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो सकता है और उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ का रुख कर सकती है। तो देखिए ये मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान है और मैं इस ट्रेड इसी बिल्कुल जो मैंने स्ट्रक्चर आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, मैं बिल्कुल इसी बिहार पे मैं जो है ट्रेड करने वाला हूं। अब यहां पर देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर देखिए मैं आपको तीन सिनेरियो बता देता हूं, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और जो है फ्लैट ओपनिंग। तो फ्लैट ओपनिंग यहां पर अगर मान लीजिए अगर यहां पर होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मान लीजिए नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, उस टाइम आप कुछ मत करिए। अगर आपको वहां पर जाना है तो आप छोटे ट्रेड के लिए जा सकते हैं। 31,880 का लेवल ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुई, ये देखिए मैं आपको जो है पिक्चर यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुई, इस तरह से ओपनिंग हुई और यहाँ से समझ लीजिए एक यहाँ पर रेंज बननी चालू हो गई, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं आपको अब इसको मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर कल को हो सकता है। तो ये यहाँ पर रेंज बना, अब देखिए ये जो रेंज बना, अब ये रेंज ऊपर का रेंज ये हो गया हमारे पास जो हमने ट्रेंड अभी ड्रॉ किया सपोर्ट, और नीचे की रेंज नियर अबाउट हमारे पास ये हो जाएगी। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पर जो है ब्रेकआउट का वेट करना है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो मे भी यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हमको 100 से 150 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी फ्लैट ओपनिंग की बात, तो फ्लैट ओपनिंग में हमको इस तरह से अपनी ट्रेडिंग करनी है। अब हम बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग की। तो मान लीजिए यहां पर 31,740 के आसपास यहां पर क्लोजिंग आई है, अभी मान लीजिए यहां पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और आपको इसको आप 32,000 के लेवल के आसपास मिलता है, तो अब ये हमारा क्लियर कट हमारा ये सेल जोन है, ये ध्यान रखिएगा 32,000 का लेवल हमारा क्लियर कट सेल जोन है। अगर यहां से गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होगा और यहां से जो है एक डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गैप अप ओपनिंग का प्लान है और यहां से मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपनिंग में देखिए ये जो रेजिस्टेंस था जो यहां पर ब्रेकआउट हुआ था 31,500 का लेवल, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ था। तो यहां से देखिए अब क्या हो सकता है, यहां से गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 31,500 के लेवल से अगेन यहां से एक बाउंस बैक हो सकता है। तो ये मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान है और मैं पूरे प्रॉपर तरीके से मैं इसी पे ट्रेडिंग करने वाला हूं। चीजें मैंने आपको बता दी हैं, समझा दी हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। पहला स्टॉक है देखिए हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने देखिए फाइनली एक ब्रेकआउट दिया था बहुत अच्छा और आज जो ये कैंडल बनी है बहुत जबरदस्त कैंडल है। देखिए ये कैंडल जबरदस्त नहीं है, ये पैटर्न जबरदस्त है। ये पैटर्न जबरदस्त क्यों है, क्योंकि उसको हम कहते हैं इनसाइड कैंडल, और इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी होती है कि देखिए अगर पिछला हाई अगले दिन जो जैसे मान लीजिए आज की जो कैंडल बनी है इसके हाई ने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है और नेक्स्ट डे हमको क्रॉस करने का मौका मिले, मतलब अगर अगले दिन ये लेवल क्रॉस होता है हाई, मतलब ये हाई जो है 6668 का है, तो अब 6668 का लेवल अगर कल को यहां पर ब्रेक होता है तो हम यहां पर एक अच्छी मूव देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहां पर हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक को देखिए ट्रायंगल के बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक देखिए 2-3 महीने हो गए कंटिन्यू हमको ये चीज देखते हुए कि अब ये रेंज से बाहर नहीं निकल रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा यहां पर एक बहुत जबरदस्त मूव होने वाली है, 100 पॉइंट की यहां पर एक जो है बिल्कुल वन साइडेड मूव होगी, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक करे चाहे नीचे की तरफ ब्रेक करे। अगर मे भी देखिए अगर यहां पर 1400 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर ये नीचे वाले लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। नीचे की रेंज का जो ये सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा है 1350 का, 1400 का लेवल ब्रेक होता है, 1400 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 1350 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। नेक्स्ट 1350 के बाद फिर यहां से बाउंस बैक हो सकता है या फिर ये 1350 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। और यहां पर देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर यहां पर 1450 के ऊपर यहां पर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट होगा और इस 1450 के ऊपर निकलने के बाद इसका टारगेट हमारा 1500 और 1550 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा आईसीआईसीआई बैंक।
तो देखिए यहां पर भी मैंने इस तरह के रेड कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। अब मैं आपको यहां पर चार्ट थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, फिर आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए यहां पर जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ की है, एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की है, तो एक असेंडिंग चैनल में जो है यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब फाइनली देखिए अभी ऊपर के सबसे अपर चैनल पर जाके इसने टेस्ट कर लिया है। अब देखिए कल को शायद यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अगर कल की डेट में यहां पर इसका ब्रेकआउट होता है, चैनल का ब्रेकआउट होता है, तो यहां पर हम एक बहुत अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक को देखिए मैंने यहां पर बताया था आपको 927 रुपए के ऊपर बाय करने के लिए, और यहां पर 950 का हमारा टारगेट है। तो अगर यहां पर आपने यहां पर बाय किया होगा पोजिशन के लिए, तो यहां पर 950 तक के लिए आप यहां पर होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटेक बैंक। तो कोटेक बैंक देखिए जो यहां पर ट्रेंड लाइन मैं यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन, अब देखिए वन टाइम यहां से बाउंस बैक हुआ, टू टाइम यहां से बाउंस बैक हुआ, और तीसरी बार भी देखिए यहां पर दो दिनों से कंटिन्यू हम यहां पर देखें तो एक समझ लीजिए ड्रैगन फ्लाइट डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, या फिर इस कैंडल को हम हैमर कैंडल भी कह सकते हैं, बट ये ड्रैगन फ्लाइट डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। अभी यहां पर देखिए यहां पर मूव कब हो सकती है, यहां पर इसको हम एक ऊपर से इस तरह से ट्रेंड लाइन देखिए अब हमने ड्रॉ की है। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो हम यहां पर एक अच्छी खासी मूव देखेंगे। तो यहां पर देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडर है तो यहां पर 1975 रुपए के ऊपर आज का जो हाई लगा हुआ है, सॉरी 1980 रुपए के ऊपर, 1979 का आज का हाई है, 1980 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर जो है 2000 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक मैंने आपको कल बताया था 250 रुपए के ऊपर यहां पर ट्रेड करने के लिए टारगेट मैंने इंट्राडे का 260 रुपए का दिया था, तो फाइनली देखिए यहां पर जो हाई लगा है ये हाई लग गया 271 का। अब यहां पर कल को क्या करना है, यहां पर कल अगर 265 के ऊपर निकलता है तो अगेन आप 270 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। मे बी देखिए कल यहां पर शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, अगर दोबारा अब आपको इस लेवल के आसपास मिलता है 245 250 के लेवल के आसपास मिलता है तो यहां पर दोबारा आने के बाद यहां से अगेन रीटेस्ट कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहां से एक ट्रेंड लाइन भी देखिए इसको जो है फॉलो कर रही है, मे बी यहां से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर यहां से बाउंस बैक हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए मैंने यहां पर आपको बताया था 284 के ऊपर बाय करने के लिए, टारगेट मैंने 287 और 290 का दिया था, तो 287 का भी टारगेट अचीव हो गया और 290 का टारगेट अचीव तो नहीं हुआ, बट यहां पर 290.20 का टारगेट यहां पर अचीव हुआ। अब यहां पर देखिए अगेन आप जो है 286 रुपए के ऊपर कल यहां पर अगर बाइंग करना चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, टारगेट हमारा सेम इसका हाई ही रहेगा फिलहाल भी। पहला टारगेट तो हमारा 289 रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा 293 रहने वाला है। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।